स्कूलों में टॉयलेट की दिशा में अभियान चलाया। अब स्कूलों में बच्चियां जाती है तो इन बातों में बड़ी जागरूक रहती है, पूछती है, व्यवस्था देखती है, उसके बाद एडमिशन देती है। पहले नहीं था कि ठीक है जो है झेल लेंगे। क्यों झेले, क्यों हमारी बेटियां झेले क्यों? और ये स्वच्छता के विषय को जब तक आप उस महिला के नजरिए से नहीं देखोगे, कभी इस स्वच्छता की ताकत का अंदाज नहीं आएगा। आप उस मां को देखिए कि जिसमें घर में हर किसी को कूड़ा कचरा चीजें इधर उधर फेंकने का हक है, एक अकेली मां है जिसको सब लोग नौकरी स्कूल चले जाएं, दो घंटे तक वो सफाई करती रहती, कमर टूट जाए तक तक करती रहती है। उस मां को पूछिए कि जब हम लोग जाने से पहले अपनी अपनी चीजें ठीक रखते हैं तो मां तुम्हें कैसा लगता है, मां जरूर कहेगी कि बेटे मेरी कमर टूट जाती थी, अच्छा हुआ अब तुम सारी चीजें जहां डालनी चाहिए वहां डालते हो तो मेरा काम 10 मिनट में निपट जाता है। मुझे बताइए, हर मध्यम वर्ग के हो, उच्च मध्यम वर्ग की हो, निम्न मध्यम वर्ग की हो, गरीब माँ हो, जिसको घर की सफाई में आधा दिन चला जाता था, अगर परिवार के सब लोग अपनी चीज अपनी जगह पर रखे, माँ को गंदगी साफ करने में मदद करें या ना करें, सिर्फ अपनी चीज अपनी जगह पर रखे तो भी उस माँ को कितनी राहत होती होगी। क्या ये काम हम नहीं कर सकते? और इसलिए स्वच्छता का पूरा एक ही तराजू मेरे दिमाग में है। आप कल्पना कर सकते हैं जी, पुरुषों को मैं जरा पूछना चाहता हूं, आपको तो कहीं भी चौराहा मिल जाए खड़े हो जाते हो, माफ करना मुझे इस प्रकार की भाषा से, उस मां की बेटी की बहन की हालत देखी होगी, वो भी कभी बाजार जाती है कुछ खरीदने जाती है, क्या उसको भी तो प्राकृतिक रिक्वायरमेंट रहती होगी? लेकिन वह खुले में कभी कोई क्रिया नहीं करती है, घर पहुंचने तक अपने शरीर को दमन करती है, झेलती रहती है। वो कौन से संस्कार है? अगर उस मां के अपने ही घर में अपनी बहन अपनी बेटी में संस्कार है, मेरे में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पुरुष के नाते हम मान के चले हैं, ये सब तो हमें इजाजत है। जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, हम स्वच्छता को सही रूप में समझ नहीं पाएंगे।